हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस 1 का पहला चैप्टर जो था गति के नियम। दोस्तों आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था त्वरण किसे कहते हैं और त्वरण के क्या प्रकार होते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके दोस्तों उसको देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं कि लास्ट टाइम हमने जो भी चीजें किया था आप प्लीज उसको थोड़ा सा रिवीजन आ लीजिए, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक आपके साथ जीवन सर है तब तक आपको टेंशन नहीं है। हे डियर डोंट फियर बिकॉज जीवन इज हियर, यू फील बेटर मैन टॉक मी लेटर। दोस्तों स्टार्ट करेंगे इसी कॉमेडी के साथ जोक्स का पार्ट। अच्छा दोस्तों समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूं। 5 लोग है, एक जो है लड़का वो मोबाइल में बैठ के पबजी गेम खेल रहा है, ठीक है ओके। दूसरा वाला बुक को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक गया। तीसरा वाला एक ही जगह बैठ के वो लूडो खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है। एक बच्चा 10 लीटर का कैन लेकर के दूसरी जगह की तरफ गया, मतलब लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस चला। और जो पांचवा वाला है वो एक ही जगह बैठ के कुछ टाइम पास कर रहा है। तो आपके हिसाब से काम क्या हुआ? तो आप लोग बोलोगे सर काम तो सब हुआ, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि कार्य क्या हुआ, किसने किया कार्य, तो वो होता है जो बुक लेकर के गया था, जो 10 लीटर का कैन का वाटर लेके गया था, इन्होंने कार्य किया। बाकी जो लोग थे उन्होंने काम किया है लेकिन कार्य नहीं किया है। तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कार्य। दोस्तों कार्य किसे कहते हैं? बस सिंपल है दोस्तों। सबसे पहला तो मैं आपको इस सूत्र बताना चाहता हूं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब दोस्तों बल क्या होता है मैंने आपको बताया था, विस्थापन क्या होता है मैंने आपको बताया था, लेकिन तभी भी मैं आपको बल के बारे में बताया था। बल क्या होता है दोस्तों बताना चाहता हूं कि बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, और जिसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से, बड़े एफ से। और दोस्तों बल वह राशि है जो किसी भी गतिशील अवस्था को स्थिर अवस्था में या स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने का प्रयास करती है। अगर कोई आपको पूछे कि बल किसे कहते हैं तो आपको यह कहना है बल वह भौतिक राशि है, मतलब वो चीज है जो किसी गतिशील अवस्था को स्थिर अवस्था में या स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, उसे बल कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं कि बल को हम एफ से दर्शाते हैं। बल की जो इकाई होती है एमकेएस में वो होती है न्यूटन, और सीजीएस में होती है डाइन। तो दोस्तों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कार्य। अब ये कार्य क्या होता है? तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। अब इसको डेफिनेशन कैसे बोलना है, मैंने आपको बताया था कि पिंड माने होता है वस्तु। यदि किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं तो उसमें होता है विस्थापन, यदि किसी पिंड पर हम बल प्रयुक्त करते हैं तो उसमें होता है विस्थापन, इसे कहते हैं कार्य। अर्थात यदि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उसमें विस्थापन होता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं कि कार्य को दिखाते हैं W से, बल को दिखाते हैं F से, और विस्थापन को दिखाते हैं S से। तो हमारे पास सूत्र हुआ W बराबर F गुणे S। दोस्तों इसका टेक्निक है W बराबर फादर गुणे सिस्टम, आपको याद करनी है टेक्निक। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे कार्य की इकाई के बारे में। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इकाई की दो प्रणाली होती है, एक होता है MKS दूसरा होता है CGS। तो दोस्तों MKS में कार्य की इकाई होती है जूल। जूल को तुम मत जाना भूल, नहीं तो ऐसा दूंगा तुम्हें भूल, नहीं मचाओगे शोर गुल और कहोगे ओ मेरी बुलबुल ओ मेरी बुलबुल। जोक सपाट, इतना थोड़ा सा जोक चलता है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे कार्य की इकाई जो MKS में होती है जूल और CGS में होती है अर्घ। दोस्तों एक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो दोस्तों याद रखना एक जूल 10^7 अर्घ के बराबर होता है, 10^7 अर्घ के बराबर होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि एक न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है, तो हमेशा याद रखना 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन, मतलब एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन के। तो दोस्तों बल की जो इकाई थी मैंने बताया था MKS में होती है न्यूटन और CGS में होती है डाइन। अगर कोई कार्य की इकाई पूछे तो याद रखना आपको कहना है MKS में होती है जूल और CGS में होती है अर्घ। एक जूल कितने बराबर होता है? एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ के। ओके एक न्यूटन कितने बराबर के होता है? वो होता है 10^5 डाइन के। तो दोस्तों अब बताना चाहता हूं दोस्तों अब लोग पार करेंगे कार्य के प्रकार। दोस्तों कार्य के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य और एक होता है शून्य कार्य।
दोस्तों बहुत ही इजी डेफिनेशन है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं, लेकिन अगर बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तो उसे शून्य कार्य कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई बस है, उसे आगे की दिशा में जाना है और आप उस बस को आगे की दिशा में ढकेल रहे हो, अर्थात बल भी आगे की दिशा में लगा रहे हो और विस्थापन भी आगे करवाना है, तो ये जो कार्य हुआ दोस्तों इसे कहते हैं धनात्मक कार्य। लेकिन समझ लीजिए किसी बस को आगे जाना है, आप उसको ढकेल रहे हो पीछे की ओर, तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है विपरीत हो रहा है, तो ये कार्य होता है ऋणात्मक कार्य। शून्य कार्य किसे कहेंगे? कोई बस है, आप उस पर बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, या कोई भी पिंड है उस पर बल लगा रहे हो परंतु विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के कार्य को शून्य कार्य कहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कार्य, कार्य के प्रकार। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कार्य की इकाई होती है, वो होती है जूल। एक जूल का सूत्र होता है, एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन गुणे एक मीटर। एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन गुणे एक मीटर। अगर परिभाषा है एक जूल किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने पहले सूत्र बताया था, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब मेरा बोलने का यह है, यदि किसी पिंड पर एक न्यूटन का बल प्रयुक्त होता है, यदि किसी पिंड पर एक न्यूटन का बल प्रयुक्त होता है तो उसमें एक मीटर का विस्थापन होता है, तो इसे एक जूल कार्य कहते हैं। समझ सकते हो आप दोस्तों, एक जूल का परिभाषा आया तो उसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इसी सूत्र से आपको मैच करवाना है। क्या कहना है? यदि किसी पिंड पर, पिंड माने वस्तु, एक न्यूटन का बल प्रयुक्त होता है तो उसमें एक मीटर का विस्थापन होता है, तो इसे हम एक जूल कार्य कहते हैं। वैसे दोस्तों बात करेंगे एक अर्घ की, तो एक अर्घ बराबर होता है एक डाइन गुणे एक सेंटीमीटर। अर्थात यदि किसी पिंड पर एक डाइन का बल प्रयुक्त होने पर, एक डाइन का बल प्रयुक्त होने पर एक सेंटीमीटर का विस्थापन होता है, तो उसे एक अर्घ कार्य कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कार्य के बारे में, कार्य क्या होता है, कार्य का परिभाषा बताने जा रहा हूं दोस्तों, रिपीट करने जा रहा हूं, यदि किसी पिंड पर हम बल प्रयुक्त करते हैं उसमें विस्थापन होता है तो उसे कार्य कहते हैं। कार्य को डब्ल्यू से दिखाते हैं, कार्य का सूत्र होता है एफ गुणे एस। दोस्तों बताना चाहता हूं कार्य की एमकेएस में इकाई होती है जूल और सीजीएस में होती है अर्घ। एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ। अब बात करेंगे बल की, तो बल वह भौतिक राशि है जो गतिशील अवस्था को स्थिर अवस्था में और स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में परिवर्तित करती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। बल की एमकेएस इकाई होती है न्यूटन और सीजीएस इकाई होती है डाइन। एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है, एक जूल बराबर 10^7 अर्घ होता है। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा कार्य के प्रकार, तो कार्य के तीन प्रकार होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं, परंतु यदि बल लगा रहे हैं परंतु विस्थापन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार के कार्य को हम शून्य कार्य कहते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने आज बल किसे कहते हैं वो टॉपिक कवर किया, एक जूल बराबर 10^7 अर्घ होता वो, और हमने कार्य के बारे में पढ़ा। दोस्तों आगे ही मैं अपने ऐसी वीडियोस लेके आते रहूंगा दोस्तों, और तब तक प्लीज 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 आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों बताना चाहता हूं कि मैं वीडियो जो है एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हो, तो आप इसको कभी आपके स्कूल के ग्रुप्स में या आपके ट्यूशन के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सबके काम में आ सकता है। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय।